अबाउट इवोल्यूशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस पिछले वीडियो में हमने देखा कि इम्यूनिटी सिस्टम क्या होती है, वो कैसे वर्क करती है, उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं ये सब। लेकिन उस वीडियो के बाद हमें बहुत सारे डीएम्स आए कि हम इम्यूनिटी सिस्टम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसीलिए आज हम फिर से अक्षय जगताप सर को इन्वाइट किया है। सो लेट्स कंटिन्यू विद अक्षय जगताप सर। थैंक यू हेल्थ एंड वर्कआउट इवोल्यूशन टीम फॉर इन्वाइटिंग मी ऑन योर चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव योर इम्यून सिस्टम। पूछिए। तो सर हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा कि इम्यूनिटी सिस्टम कैसे वर्क करती है, उसके क्या क्या टाइप्स है ये सब हमने देखा। लेकिन हम लोगों को बहुत सारे डीएम्स है कि हम इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव कैसे कर सकते, उसके बारे में आप अगर कुछ बता सकें। ओके, सो फर्स्ट इम्यून सिस्टम सुनने के बाद हमारे दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले आता है विटामिन सी। ओके, सो स्टार्ट हम उसी से करते हैं, विटामिन सी से ही हम स्टार्ट करेंगे आज। विटामिन सी का इम्यून सिस्टम इम्प्रूव करने में बहुत बड़ा रोल है। विटामिन सी अगर हम कंज्यूम करते हैं डेली बेसिस पे अप्रॉक्सीमेट 500 mg पर डे, तो उतना हमें मतलब वो डोज हमें इनफ है एक दिन का। ओके, उसके बाद में ये मैं सिर्फ मतलब जनरल ह्यूमन के बारे में, मतलब एक जनरल लोगों के बारे में ये बता रहा हूँ मैं आपको। इसके क्राइटेरियाज बदल सकते हैं अगर कोई एथलीट है या फिर और कोई स्पोर्ट्स प्लेयर है, सो उनके लिए ये क्राइटेरिया बदल भी सकता है। ओके, सो इम्यून सिस्टम में विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी से और भी बेनिफिट्स हमें मिलते हैं, जैसे हमारा ब्लड वेसल्स है, उसके बाद में हमारी स्किन है, उसके बाद में हमारा बोन और कार्टिलेज है, सो उनके हेल्थ के लिए भी विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप अगर कभी कहीं पे गिर जाते हो, मतलब आपको चोट लगेगी कहीं पे अगर कभी, तो उसकी हीलिंग के लिए भी विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल है, उसके हीलिंग के लिए भी। और अगर प्रोटीन्स की बात की जाए, प्रोटीन्स का क्या इम्पोर्टेंट, मतलब प्रोटीन भी हम हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट कर सकते हैं क्या मतलब? हाँ, प्रोटीन्स बेसिकली क्या है, बहुत से लोगों को इवन ये बात मालूम ही नहीं है कि प्रोटीन्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब आपके डेली न्यूट्रिशन में अगर आपने बहुत ही प्रोटीन इंटेक बहुत ही कम रखा, तो आपका इम्यून सिस्टम इतना अच्छे से नहीं इम्प्रूव हो पाएगा। तो उस वक्त आपने थोड़ा मतलब सोचा कि अरे मैं डेली विटामिन सी भी ले रहा हूँ, मैं डेली मतलब बॉडी को डिटॉक्स भी कर रहा हूँ, मैं सब चीज़ें कर रहा हूँ, लेकिन मेरा इम्यून सिस्टम इम्प्रूव क्यों नहीं हो रहा है उस टाइम पे? सो उसके पीछे बेसिक ये रीज़न होता है कि आपके न्यूट्रिशन में विटामिन सी है, लेकिन विटामिन प्रोटीन्स कम है। हाँ, प्रोटीन्स कम है, विटामिन सी है पर प्रोटीन्स कम है। सो ये उसके पीछे का बेसिक। ओके, तो हमने विटामिन के बारे में तो हमने देख लिया, लेकिन प्रोटीन्स भी हमारे इम्यून सिस्टम पर कैसे मतलब इम्पैक्ट करते हैं? ओके, जितना इम्पोर्टेंट विटामिन सी है उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्रोटीन्स का है हमारे बॉडी में। जब हमें वायरल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो उसके रिकवरी के लिए भी प्रोटीन्स बहुत इम्पोर्टेंट है। जब वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तब भी प्रोटीन्स उतने ही इम्पोर्टेंट है आपके रिकवरी के लिए। ओके, उसके बाद में हमारे इम्यून सिस्टम में जो एंटीबॉडीज और जो सेल्स रहते हैं, वो भी डिपेंड करते हैं हमारे प्रोटीन पे। डेली बेसिस पर हम मतलब क्या खा सकते हैं कि रेगुलर प्रोटीन हम गेन कर सके? ओके, सो प्रोटीन इंटेक इम्प्रूव करने के लिए, मतलब डेली अगर आपको प्रोटीन इंटेक इम्प्रूव करना है आपका, तो अप्रोक्सीमेट आपको एक दिन में आपको कितना प्रोटीन खाना है ये पहले आपको समझना होगा। उसके लिए आप अपने फिटनेस ट्रेनर से एक बार बात कीजिए, सो वो आपको उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दे पाएगा। सेकेंड पार्ट, फ्रॉम मॉर्निंग टू बिफोर बेड, आप प्रोटीन इंटेक बढ़ाने के लिए खाली आपको मतलब अगर क्लीन प्रोटीन सोर्सेस हम बोले, तो आप चिकन ब्रेस्ट खा सकते हो जिसमें अच्छा प्रोटीन इंटेक आपको मिल जाए, आप एग्स खा सकते हो जिससे आपको अच्छा प्रोटीन इंटेक मिल सके, उसके बाद में आप डेली स्प्राउट्स खाइए, उसके बाद आप आपको अगर पॉसिबल है एवरीडे, तो एवरीडे आप फिश या फिर कोई रेड मीट ऐसा आप कुछ खा सकते हो,
जिससे आपका प्रोटीन इंटेक हाई रहे बॉडी में। ओके, अगर आपको ये पॉसिबल नहीं है, मतलब आपको अगर समझो हर किसी को डेली मीट खाना एग्स खाना पॉसिबल, वेजिटेरियन हाँ सो वेजिटेरियन लोगों को ये ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता है, सो आप वे प्रोटीन यूज़ कर सकते हो, आप उसका डेली 2 scoops खा सकते हो। सो मतलब आपकी कम से कम बेसिक रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो सके प्रोटीन की। ओके, सो उसके बाद में मतलब ये रहा अपना प्रोटीन का खाली। अभी मैं बताऊंगा कि सुबह से रात तक आप क्या शेड्यूल फॉलो कीजिए। एक सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग आप सुबह 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 जल्दी उठिए, उसके बाद में सबसे पहले आपको थोड़ा वार्म वाटर पीना है, उसके बाद में आप च्यवनप्राश खाइए। च्यवनप्राश बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको आपकी इम्यून सिस्टम अच्छी रखनी है तो च्यवनप्राश बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद में रेगुलर ब्रेकफास्ट कीजिए, ब्रेकफास्ट में जितना हो सके उतना हाई प्रोटीन इंटेक कीजिए। अगर पॉसिबल है तो ब्रेकफास्ट थोड़ा हीवी कीजिए। ओके, आफ्टरनून जब आप लंच करते हो तो लंच टाइमिंग में आप मोस्टली दाल, ग्रीन लीफ वेजिटेबल या फिर उसके साथ में आप राइस, सो ये आपका जो पूरा इंडियन मील रहता है वो प्रॉपर इंडियन मील दोपहर में हम लोग खाएंगे, ओके फॉलो करेंगे उसको। इवनिंग टाइमिंग में मोस्टली हम लोग फ्रूट्स खाएंगे, मोस्टली इवनिंग टाइमिंग पे हम लोग फ्रूट्स खाएंगे। अगर आप कोई प्रोटीन वगैरह ले रहे हो तो आप इवनिंग टाइमिंग पे वो भी ले सकते हो उसके साथ में। डिनर में आपको थोड़ा लाइट रहना है, ओके डिनर में आपको थोड़ा हेवी नहीं जाना है। डिनर में आप मोस्टली जितना हल्का खाओगे उतना आपके लिए बेटर रहता है। ओके, सो ये बेसिक चीज़ें हैं आपके लिए। हाँ, और एक चीज़, बिफोर बेड आपको 1 spoon टर्मरिक विथ मिल्क, यस ये आपको बिफोर बेड एवरी डे करने का है। ओके, सो ये है बेसिक चीज़ें जिससे आप आपके इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा रख सकते हैं। आपका इम्यून सिस्टम कब अच्छा रहेगा, जब आपका न्यूट्रिशन अच्छा रहेगा। ओके, आपका अगर न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होगा तो आप इम्यून सिस्टम को कैसे इम्प्रूव करोगे। सो बेसिक यही है अपना कि आप आपके डाइट को फर्स्ट इम्प्रूव कीजिए, आप डेली एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अगर ये सोचोगे कि मैं डेली विटामिन सी खा रहा हूँ, मैं डेली प्रोटीन इंटेक कर रहा हूँ लेकिन मैं वर्कआउट नहीं कर रहा, सो अगेन उसका कोई फायदा ही नहीं, नॉट गोइंग टू हेल्प। ओके, सो आप ये इम्पोर्टेंट है, सो आप वर्कआउट कीजिए, आप न्यूट्रिशन अच्छा रखिए, ओके क्लीन फूड खाइए, जंक फूड के पीछे मत जाइए ज़्यादा। ओके, सो ये बेसिक चीज़ें है, वर्कआउट कीजिए एवरी डे, सो ये आपको आपकी इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने में मदद करेगा। इवन इन जनरल आप किसी भी डिसीज़ के चपेट में नहीं आ सकते फिर। ओके, सो अगर आपको खुद को एकदम वेल मेंटेन फिट रखना है तो आप ये शेड्यूल फॉलो कीजिए डेली। ओके, ओके सर, थैंक यू सो मच सर, हमारे चैनल के आपने वीडियो बनाई, हमको बहुत अच्छा साथ दिया, थैंक यू। और हमारे व्यूवर्स को भी आई होप कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इम्यून सिस्टम के बारे में। अगर आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए और आपको इस सेशन के बारे में कोई डाउट्स क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।